See, it is a miracle that extends beyond our eyesight. Rhythmic folk music from the shore and the restless waves make the sea a beautiful sight. She is a metaphor of love, happiness, hopes, and whatnot. There are some who come from faraway deserts just to color her shores, the people who come with brightly colored beads. While spreading sunset yellow to sky and baby blue to sea, they live a life which has no colors in it. What remains is some hopes which are yet to be painted. मेरा नाम किरण है मैं राजस्थान से आई हूँ ये ज्वेलरी का सामान बेचने के लिए तो क्या है राजस्थान में कुछ काम नहीं है तो फिर बच्चे को लेके मुझे चलते कहीं काम करने के लिए सामान बेचने के लिए इसलिए आ गई हो जाता है टाइम पास कभी बच्चे के लिए हो जाता है कभी नहीं होता है सोचते हैं कुछ हो जाएगा तो अपने बच्चे पल जाएगा बड़े हो जाएगा पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे फिर अच्छा लगा इधर सही है ऐसे पांडिचेरी में अच्छा लगा सब परिवार है हमारे सास भी है ससुर भी है सब है मेरा आदमी भी यही काम करता है मैं भी यही काम करती मेरी लड़की हो भी यही ज्वेलरी का सामान लेकर हाथ का ये बेचते दिल्ली से राजस्थान से लेकर आते सामान जब यहाँ का आपके बेचते हैं एक दो महीने रुकते हैं फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं बेच के फिर चले जाते हैं ऐसा हम दिल्ली में ही रहते थे शुरू से छोटे छोटे थे फिर मेरे भैया भाई भाभी सब वही काम करते हैं मेरे पापा है वो अगरबत्ती बेचता है वो देहरादून रहते हैं देहरादून है ना उधर जाते हैं वो वैसे बम्बई जाते हैं कभी कभी बेंगलोर चले जाते हैं वहाँ भी धंधा लगता है वहाँ ही जाते हैं हम इधर काम नहीं चला तो दूसरे शहर में चले गए The family faces a lot of hardships and do not stay anywhere permanently. Their life is a journey between buying and selling. People do bargain to own the beautifully colored beads, but the beads do have a story of their own beyond Delhi. अभी हमको एक महीना हो गया है, फिर अब दिवाली के से पहले चले जाएंगे, फिर दिवाली बाद में आ जाएंगे, ऐसा ही सामान लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ से जाने के बाद नागपुर जा सकते हैं, दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, चूड़ी लेने, वहाँ सात आठ दस की मिलती है या बीस की पच्चीस की बेचते हैं आधा आधा भाव में बेचते हैं मतलब फिर वहाँ से आते हैं दिल्ली से बैठते हैं ट्रेन में 400 रुपये लगता है किराया जंगल डब्बा में भीड़ होती है परेशानी होती है बच्चे को बहुत मुसीबत से आके पहुँचते हैं इधर फिर आके यहाँ पर रूम लेते हैं फिर जाके सामान बेचते हैं She works away from her village, selling the crafts and jewellery. Being an illiterate woman, she can do only this to run her big family. बच्चा एक लड़का पढ़ता है गांव में, पांच बच्चे हैं, तीन लड़की है, दो लड़के हैं। तो ये गांव में, अब ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसकी याद आने लग जाती है। क्या करें? फिर चले जाते हैं, फोन करता है, रोता है वो, फोन में रोता है वो। इसलिए चले जाते हैं वापस गांव में घर है खेत है उसमें खेती करते हैं ऐसे होता नहीं है काम इसके पापे से शाम कुछ भी नहीं होता है उधर किसी और को दिखाते हैं ऐसे
ऐसे सास ससुर वो भी बुढ़े बुढ़ी है, उससे काम नहीं होता है जो गांव में रहते। एक महीना दो महीने जितने हमारा सामान बिकता रहता है, जितने हम इधर ही रहते हैं, अगर नहीं बिकेगा तो हम दूसरे शहर में जाते हैं जैसा। मगर अभी तो हमको एक महीना हो गया, अच्छा बिक रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर अब दिवाली तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे राजस्थान। People treat them as migrants, call them as gypsies, but their life is really a challenge in a place where roots and languages are unknown to them. यहाँ पे वहाँ पे रहते ना, कार्तिक होटल है ना, उसके पास में रूम उधर रहते। 3,000 रुपये महीने लेता है वो रूम का किराया, 3,000 हो जाता है किराया, हो जाता है फिर दे देते थोड़ा थोड़ा कर करके हो जाता है। खाना हम खुद बनाते हैं, रोटी चावल नहीं खाते हम, सिर्फ रोटी सब्जी बनाते हैं। शाम सुबह दो टाइम खाते हैं, एक टाइम तो हम खाते ही नहीं, ऐसे रहते हैं। सिर्फ दो टाइम खाते हैं शाम सुबह। अभी जाएंगे मार्केट से, जाते हैं 9-10 बजे, 1 बजे तक हमारा रोटी वोटी बनता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है जब जाके हम सोते हैं खाना बना बना के खा के, फिर एक बज जाता है, 2 बज जाते हैं ऐसे जब जाके सोते हैं। मुझे तमिल नहीं आती है बिल्कुल, यहाँ की भाषा समझ में नहीं आता है मेरे को, हिंदी बोलते उससे हिंदी बोल जब जाके समझ आते। तमिल वाले को कोई ऐसे इंग्लिश में पैसे के बारे में बता देते हैं, ऐसा तो आता ही नहीं है कुछ भी। अंग्रेज को तो बता देते हैं, ऐसे 200 रुपये का हुआ तो 200, 120 ऐसे बोलते। These jewelry are definitely an attraction on the beach, but what they get from that in their life is bit unattractive. What they earn is very less, and people still deny them from getting that. बोलते हैं ना उधर पुलिस वाला बोलता है यहाँ से उठाओ, फिर हम उठा लेते हैं, वो चला जाता है, फिर लगा लेते हैं, फिर बार बार परेशान करता है बच्चे इनको लेके, फिर सामान दोबारा लगाओ, इतना आइटम उसको लगाते लगाते 1 घंटा हो जाता है, फिर आ जाते पुलिस वाले, इसको उठाओ आगे जाओ दूसरी जगह जाओ, फिर ऐसे करके थोड़ी देर बैठते हैं, कभी भगा देता है कभी लगा लेते हैं, ऐसे कभी भगा देता है फिर बोनी नहीं होता है फिर चले जाते हैं। अगर नहीं भगाता तो हमारा कुछ बिक जाता है, पुलिस वाले नहीं आते ना, फिर तो कुछ बेच लेते हैं थोड़ा, और वो आ जाता है फिर कुछ नहीं बिकता है। कमाते वैसे बोल रहे हैं ना आपको, अगर कोई पुलिस वाला कुछ अगर पब्लिक आए तो हो जाता है 1,500 रुपये, आधे तो सामान का निकलता है आधा हमारा निकलता है। Being a mother, it's hard for her to see her suffering malnourished children. What remains with her to hand down them is nothing but poverty. बिटिया क्या करे दीदी, कुछ ही ऐसे गरीब है, मगर पैसा नहीं है ना हमारे पास, इतना पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। अभी ये लड़की 3 साल की हो गई, अभी बोल नहीं रही है, ऐसे चल तो रही है घूमने मगर पता नहीं क्या, बात नहीं कर सकती है, पता नहीं क्या है इसको, कहीं दिखा भी नहीं रहे, पैसे के चक्कर में पैसा नहीं है ना हमारे पास, इसलिए लड़कियाँ बड़ी बड़ी हो जाएगी शादी कर देंगे उनकी, एक लड़की तो अब थोड़ी बड़ी हो गई, उसकी 2 लड़की छोटी है, कुछ पैसे बढ़ जाए तो स्कूल छोड़ सकते हैं उन, एक लड़का है सिर्फ वो ही पढ़ता है, क्या करे बच्चे के लिए तो करना पड़ता है, पैसे हो जाएगा तो बच्चे को पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे, गांव में कुछ भी नहीं है, पेट के लिए करना पड़ता है। These tides never stop. As the symbols of never-ending hopes and dreams, they will rise and fall again and again to embrace the shoe. These people will be here, their restless eyes and heart searching constantly for hope and love. They will be here spreading the bright colors to the shore and the sea. They will be here like the tides with never-ending hopes and to paint the childhood which has forgotten to dream, but being gray behind the colors.